हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और फैंटेसी प्रीव्यू में। मुकाबला है GT बनाम PBKS। एंड सॉरी, मेरा गला कुछ खास ठीक नहीं, इसलिए आवाज कुछ खास नहीं। बट ये गेम खेला जाएगा द नरेंद्र मोदी स्टेडियम। गुजरात टाइटंस है विन प्रिडिक्शन इस मुकाबले के लिए, तो बहुत सारे इनसाइट्स आपके लिए थ्रू आउट दिस प्रीव्यू। इंश्योर कि आप प्रीव्यू एंड तक देखिए ताकि वो सारे इनसाइट्स आप तक पहुंच पाए। कुछ इंटरेस्टिंग मैचअप, सारे आपके जो वेन्यू नंबर्स एंड एच टू एच नंबर्स फॉर एवरी प्लेयर, सो सब कुछ कवर करेंगे हम। इंश्योर यू स्टे ट्यून टिल दी एंड, एंड लाइक बटन जरूर हिट करिए ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच पाए। तो चलते हैं स्ट्रेट इनटू इट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। एंड उससे पहले 50K का गिव अवे लाइव है आपके लिए इस मुकाबले में। कहाँ पे? माई मास्टर 11 पे। माई मास्टर 11 का ऐप का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एंड कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट भी है। 19 में आप जीत सकते हो एक रॉयल एनफील्ड, 15 में एक iPhone 15, एंड 49 में एक महिंद्रा थार। तो कुछ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट। आपको क्या करना है, सिंपली जाके एक कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने इनकी ऐप पे एंड जीत सकते हो आप ये बड़े प्राइजेस। एंड ऑलरेडी ये कॉन्टेस्ट लाइव है इनके ऐप पे। तो जैसे आप देख सकते हैं 49 में थार, एंड यहाँ पे 19 में रॉयल एनफील्ड, 15 में प्रो मैक्स, एंड फ्री कॉन्टेस्ट। तो ऐसा नहीं कि बोल रहे हैं खाली, ये ऑलरेडी ये ऐप पे लाइव है। तो जल्दी से जाइए, पार्टिसिपेट करिए, छोटा डिपॉजिट करके समझिए आपको ऐप पसंद आए तो ज्यादा खेलिए, नहीं पसंद आए तो छोड़ दीजिए। सिंपल लॉजिक लाइक ऑलवेज। एंड अब चलते हैं आज के टैक्टिकल कॉर्नर की तरफ। तो इस मुकाबले में गिल एंड साहा स्टार्टिंग फॉर GT, वाइल PBKS के लिए धवन बेस्ट हो। अब कुछ खास इनसाइट्स नहीं कहूंगा इस मुकाबले में फ्रॉम द टैक्टिकल कॉर्नर, बट एक जो चीज आपको दिखेगी वो है फिनिशिंग ऑर्डर। GT का फिनिशिंग ऑर्डर काफी स्ट्रॉन्ग, वेल PBKS के साथ हमने देखा है फिनिशिंग ऑर्डर में कुछ कंसर्न्स। DK के सामने उन्होंने मार खाई थी, लोमरो ने अच्छा खेला, उसके बाद आप देख सकते हैं कि उन्होंने वो अर्शदीप वाले फेज में भी कुछ खास किया नहीं। हर्षल भी लास्ट गेम में मार खा के आ रहे हैं, तो वो हिसाब से इस फेज वो फेज उनके लिए कुछ खास रहा नहीं है। एंड एक और जो वीकनेस है वो पंजाब इज मिडल ऑर्डर बैटिंग। आप मिडल ऑर्डर बैटिंग देख सकते हैं कुछ खास, मिडल ऑर्डर बोलिंग रहता उनके लिए कुछ खास नहीं, क्योंकि राहुल चहर भी कुछ खास फॉर्म में चल नहीं रहे। वेल मिडल ऑर्डर बैटिंग की बात की जाए तो वहां पे भी कुछ कंसर्न है, क्योंकि लिविंगस्टन जितेश कभी चले कभी नहीं चले, वेल राशिद नूर बहुत ही ज्यादा अच्छे फॉर्म में। तो ऑफकोर्स ये सब से एक चीज तो ऑफकोर्स बहुत ऑब्वियस हो जाती है, वो है कि GT ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है एंड आर फेवरेट्स टू टेक दिस वन। बट ये जो चीज है आप GL रोटेशन में ध्यान रखिए जब आप अपने चेंजेस करते हैं। उसके अलावा रिमेंबर टू ज्वाइन अस एट द रेट फैंटेसी क्रिक ऑन ट्विटर एंड टेलीग्राम। दोनों के लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लिंक से जुड़िए क्योंकि कोई पेड प्राइम वगैरह नहीं है, जो भी है फ्री है एंड आप तक पहुंचाया जाएगा। लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहीं से जुड़िएगा। अब चलते हैं वेदर रिपोर्ट की तरफ। तो क्लियर वेदर फॉर दिस गेम, एंड जो हमने देखा है अक्रॉस बोथ दिस गेम्स, यहाँ पे हमने देखा है कि अच्छी बैटिंग कंडीशन, स्पेशली चेस करते हुए बैटिंग कंडीशन और भी बेहतर हुई। तो आई एम क्वाइट श्योर कि जो टीम यहाँ पे टॉस जीतेगी चेस करना ही प्रेफर करेगी। लाइनअप्स की बात की जाए तो काफी सिमिलर लाइनअप्स, वन बिटवीन स्पेंसर जॉनसन एंड नूर अहमद। इंटरेस्टिंग होगा टू सी कि क्या नूर अहमद अपनी जगह रखेंगे, क्योंकि लास्ट गेम में डे गेम था इसलिए उन्हें लाया गया था। तो लेट्स सी वो स्लॉट में कौन आते हैं। उसके अलावा एक काफी सिमिलर लाइनअप दोनों टीम्स के लिए हम एक्सपेक्ट करेंगे। तो चलते हैं टुवर्ड्स द गुजरात टाइटंस एंड बात करते हैं फर्स्ट अबाउट देयर कैप्टन शुभमन गिल। इंटरेस्टिंगली पंजाब के लिए लोकल क्रिकेट खेलते हैं ये, अच्छा खासा एवरेज 37 का एवरेज वर्सेस पंजाब एंड एट अहमदाबाद, तो नंबर्स बहुत ही ज्यादा अच्छे। एक टॉप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइस इन दिस गेम। रिदमान साहा 27 की एवरेज वर्सेस पंजाब, पहले खेल चुके हैं ये जब ये किंग्स 11 पंजाब हुआ करती थी। याद रखिए ये जो नंबर्स हैं ये पंजाब किंग्स के अगेंस्ट है, अगर किंग्स 11 पंजाब का डेटा यहाँ पे नहीं इंक्लूडेड है क्योंकि वो काफी पुराना डेटा है। एट अहमदाबाद 11 मैचेस में 252 रन एंड 21 की एवरेज। अगर आपको लग रहा है कि GT जीतेगी इसका ये मतलब है कि रिद्धिमान साहा का कॉन्ट्रीब्यूशन विद द ग्लव्स भी हो सकता है, तो वो हिसाब से रिस्क ड्रॉप करना थोड़ा सा रिस्की बन सकता है। बट एक बहुत इंटरेस्टिंग मैचअप है इनका, पंजाब के एक बॉलर इनको काफी बार आउट कर चुके हैं, वो हम डिस्कस करेंगे इन द मैचअप सेक्शन। साई सुदर्शन अगेन अच्छा किया है वर्सेस दिस टीम, एंड मैंने आपको क्या कहा था कि पंजाब के मिडल ओवर्स का बॉलिंग अब तक फॉर्म में आया नहीं है एंड ये बैट करेंगे उस फेज में, तो उस बात का फायदा एंड एडवांटेज उन्हें मिलेगा। एंड वर्सेस पंजाब एंड एट अहमदाबाद 50+ की एवरेज यहाँ पे आपको दिख रही है। डेविड मिलर कुछ खास नंबर्स नहीं, ये भी पहले खेल चुके हैं फॉर पंजाब एंड एट अहमदाबाद, 9 मैच में 210 रन। लास्ट मैच में हमने देखा कि थोड़ा उनका वो टच जो था वो वापस आने लग गया था, सो आई वोंट बी सरप्राइज, स्पेशली पहले बैटिंग करते हुए तो आप टीम में ने बिल्कुल रख सकते हैं, फिर अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी।
अजमतुल्ला उमर जाई ठीक ठाक किया है अहमदाबाद, 3 विकेट ले चुके हैं एंड डेफिनेटली बेस टीम में रहेंगे आपके, मे बी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइस ऑल्सो स्पेशली वेन बोलिंग फर्स्ट। विजय शंकर ठीक ठाक प्लेयर हैं बट प्रॉब्लम क्या है, काफी लो आएंगे तो अपॉर्चुनिटी वैल्यू आपकी विद विजय शंकर एंड विद राहुल टेवटिया काफी वो हिसाब से कम हो जाती है। राहुल टेवटिया भी पहले खेल चुके हैं इस टीम के लिए वर्सेस पीबीकेएस, 5 मैच में 33 रन एन आई टी अहमदाबाद, 6 मैच में 81 रन। तो प्रॉब्लम वही रहेगी विद दिस प्लेयर्स की, जब आपको लग रहा है कि गिल मिलर ये सब जल्दी आउट हो जाएंगे तभी ये गेम में आएंगे, तो जीएल में आप ही नहीं ले सकते हो, नॉट इन योर फैंटेसी बेस्ड टीम। राशिद खान वापस एक टॉप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइस फॉर दिस गेम, क्योंकि जो पंजाब का मिडल ऑर्डर है देखा गया है कि पहले भी उन्होंने कोलैप्स किया है अगेंस्ट क्वालिटी स्पिन एंड वही लाएंगे यहाँ पे, एक तरफ से राशिद एंड दूसरी तरफ से नूर। एक जो पंट पिक हो सकते हैं इस गेम में वो हो सकते हैं उमेश यादव, क्योंकि हमने देखा है बेस्टो का फॉर्म कुछ खास नहीं एंड शिखर धवन इज ऑल्सो एजिंग एंड गेटिंग ओल्डर, थोड़े रिफ्लेक्सेस वहां पे स्लो हो रहे हैं, एक अगर पेसी बॉल वहां पे इन डिपर आ गई तो स्टंप उड़ा सकती है शिखर धवन के। सो वो हिसाब से आई थिंक उमेश यादव एक डेंजरस पिक बन सकते हैं, क्योंकि हमने ये भी देखा है पहले कि अंडर लाइट्स थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है, ऑफकोर्स इनका फॉर्म कुछ खास नहीं है बट ये या दर्शन नलकंडे जो भी खेलते हैं उस स्लॉट में काफी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं इस टीम के लिए। मोहित शर्मा स्पेशली वेन बोलिंग फर्स्ट एट द डेथ आपको पूरी वैल्यू देंगे, ये भी खेल चुके हैं पंजाब के लिए तो एंड 9 मैचेस में 25 विकेट्स अहमदाबाद, मतलब 2.8 विकेट्स पर गेम ही एवरेज कर रहे हैं, कहाँ से आप छोड़ेंगे इन्हें। तो ये सिर्फ एक जीएल रिस्क बन सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि जल्दी बहुत सारे विकेट गिर जाएंगे, जब तक मोहित शर्मा आएंगे तब तक बैटिंग थोड़ा कंसोलिडेट कर रही होगी, एल्स इन्हें छोड़ के कोई भी पॉइंट नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का पंजाब का मिडिल ऑर्डर एंड लोअर ऑर्डर है कभी भी ये विकेट्स अपने फेंक सकते हैं। स्पेंसर जॉनसन खेलते हैं तो इम्पोर्टेंट बनेंगे अभी के लिए, नॉट श्योर इफ ही विल बी प्लेइंग दिस वन। नूर अहमद इफ ही प्लेज विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसा पंजाब का मिडिल ऑर्डर है जैसे मैंने कहा ये शॉर्ट पे शॉर्ट खेलने को जाएंगे एंड वहां पे नूर अहमद पूरी तरीके से गेम में बनेंगे। तो मेरे हिसाब से जो जीटी के बॉलर्स है उनपे खास फोकस रखिए, डेविड मिलर तक बैटिंग में फोकस रखिए। ये हुई बात जीटी की टीम की, उसके अलावा एक्सचेंज 22 पे लीडर बोर्ड चल रहा है एंड ₹100 रियल कैश आपको मिल रहा है, कैसे जैसे आप साइन अप करेंगे, ऐप का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो अभी जाके साइन अप करिए जैसे मैं आपको कहता हूँ विद एवरी ऐप की गो साइन अप, आपको पसंद आए तो खेलिए नहीं पसंद आए तो मत खेलिए, सिंपल एज दैट एंड यहाँ पे ना टीडीएस है एंड ना जीएसटी, तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपके लिए। अब चलते हैं पंजाब किंग्स की तरफ, यहाँ पे शिखर धवन टू स्टार्ट दी अटैक, अच्छे नंबर्स वर्सेस जीटी एन आई अहमदाबाद भी यहाँ पे ठीक ठाक इन्होंने किया है, तो डेफिनेटली अ प्लेयर टू वॉच आउट फॉर बट काफी इनिशियल थ्रेट रहेगा इन्हें विद द पेस बोलर्स। जॉनी बेस्टो ठीक ठाक प्लेयर कुछ खास नंबर्स नहीं वर्सेस जीटी एंड इनका रिसेंट फॉर्म काफी खराब, थोड़ा बैक किया हमने इन्हें गेम आफ्टर गेम बट कुछ खास इन्होंने किया नहीं, लास्ट गेम में फाइनली वर्सेज एलएसजी थोड़ी झलकियां दिखी हमें बट वापस वो कन्वर्जन हुआ नहीं एंड टीम उनकी हार गई। सो लेट्स सी कैसा होता है इनके लिए गेम। प्रभसिमरन सिंह वापस ठीक ठाक फॉर्म में, कुछ खास बड़ा इम्पैक्ट अब तक बना नहीं पाया एंड बेस टीम में तो आप ले नहीं पाओगे क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस आपके पास ऑलरेडी है। लियम लिविंगस्टन ठीक ठाक प्लेयर है, एक बहुत अच्छा मैचअप है इनका राशिद खान, इनको 3 बार आउट कर चुके हैं बट साथ 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 में लियम लिविंगस्टन 180-190 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं राशिद खान के सामने, तो अगर इनका दिन होता है तो राशिद खान का ऐसा हो सकता है कि दिन बिल्कुल ना चले एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे डिसाइडिंग कि क्या पंजाब का दिन एट अहमदाबाद अच्छा रहेगा या नहीं, क्योंकि राशिद है उनके की प्लेयर। जितेश शर्मा वर्सेस जीटी 2 मैच में 48 रन, ठीक ठाक नंबर्स हैं एंड कीपिंग वैल्यू भी है बट रिसेंटली विद द बैट अब तक फ्लो में नहीं लगे, तो देखते हैं कि कैसा रहता है इनका दिन। डेफिनेटली अ प्लेयर वर्थ बैकिंग, क्योंकि जैसे मैंने कहा साह के कुछ मैचअप्स हैं इनिशियली एंड स्पिन खेलने के हिसाब से ये सबसे इंपॉर्टेंट होंगे इनके लिए, तो मिडिल ऑर्डर में इनका रोल अच्छा खासा बन सकता है। सैम करन वर्सेस जीटी 1 मैच 22 रन 1 विकेट, ऑफ कोर्स बैटिंग ऑर्डर में कभी कभार ये ऊपर आ रहे हैं, लेट्स सी इस गेम में भी वो होता है कि नहीं, क्योंकि इस गेम में स्पिनर्स होंगे इन द मिडिल ऑर्डर तो मे बी इस गेम में थोड़ा सा लो आ जाए विद द बैट, बट फिर भी एक टॉप ऑप्शन ये भी रहेंगे इस मुकाबले में। हरप्रीत ब्रार लेट्स सी अगर स्पॉट पकड़ के रखते हैं कि नहीं, बट अच्छे खासे फॉर्म में अच्छी लेंथ ये डाल रहे हैं प्लस नीचे आके थोड़ी हिट्स मार सकते हैं, एट अहमदाबाद 2 मैच में 4 विकेट एंड 29 रन, सो दैट्स अनदर साइन फॉर यू कि ये एक अच्छे जीएल पिक आपके लिए बन सकते हैं।
हर्षल पटेल लास्ट गेम कुछ खास रहा नहीं इनके लिए वर्सेस जीटीबी, 3 मैच में सिर्फ 1 विकेट, एनआईटी अहमदाबाद 3 मैच में 2 विकेट, तो कुछ खास नंबर्स नहीं। एंड अनलेस आपको लग रहा है पिच में कुछ होल्ड है एंड वहां पे इन्हें मदद मिले तो बात अलग है, एल्स जैसा फिनिशिंग ऑर्डर है जीटी का, मैं तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि ये आके 4-5 विकेट इनको फेंके जाए, ऐसा हुआ तो दिन बिल्कुल ही अलग एंड अनएक्सपेक्टेड होगा। राहुल चहर वापस फॉर्म काफी खराब, 3 मैच में 1 विकेट वर्सेस जीटी, एंड अब तक वो फ्लो में रिदम में लगे नहीं है, आधे गेम में इनके ओवर्स कट चुके हैं, तो सिर्फ एक जीएल पिक बनेंगे जब आपको लग रहा है कि जीटी की बैटिंग ऑर्डर पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाएगी। कगिस और रबाडा स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक है, अच्छे मैचअप्स भी, 3 मैच में 7 विकेट, एनआईटी अहमदाबाद 3 मैच में 4 विकेट, पंजाब के जो होप्स होंगे विद द बैट विद लियम एंड विद द बॉल इनके साथ बने रहेंगे। अर्शदीप सिंह 3 मैच में 2 विकेट वर्सेज जीटी, एनआईटी अहमदाबाद 1 मैच में 1 विकेट, ठीक ठाक नंबर है, लास्ट गेम में विकेट्स लेके आ रहे हैं, पहले बॉलिंग करते हुए तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते आप इन्हें। इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड एंड सीरीज लीडर बोर्ड दोनों चल रहे हैं माई मास्ट 11, एंड दोनों जीतने का प्रोसीजर आपको ऑलरेडी पता है, इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड में ज्यादा लीग ज्वाइन करिए एंड सीरीज लीडर बोर्ड में ज्यादा टीम से जीएल ज्वाइन करिए, तो अच्छे खासे प्राइजेस यहाँ पे, डोंट मिस आउट ऑन द चांस। अब डिस्कस करते हैं आज के मैचअप्स, शिखर धवन वर्सेज मोहित शर्मा, 76 और 65, 4 बार आउट हुए हैं, वेरी बिग मैचअप दैट। रिजवान साहब वर्सेस कगिस और रबाडा, अगर आप सोच रहे हैं कि साहब पे रिस्क लेना है तो कगिस और रबाडा उस सिचुएशन में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 3 बार आउट किया है बट स्ट्राइक रेट साहब का भी उतना ही अच्छा, वाइल्ड कगिस और रबाडा ने शुभमन गिल को 2 बार आउट किया, तो अगर कुछ भी हिंटर है कि स्टार्टिंग में कुछ हेल्प वगैरह है तो फिर जीएल में शुभमन गिल पे आप रिस्क तब ले सकते हो क्योंकि ये मैचअप तब एक्टिवेट हो सकता है। अब बनाते हैं हमारी आज की फैंटेसी टीम जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्योंकि सब कुछ तो आप ऑलरेडी समझ चुके हो लास्ट 10 मिनट, तो अब बनाते हैं हमारी आज की फैंटेसी टीम। कीपिंग सेक्शन से स्टार्ट किया जाए तो यहाँ पे जॉनी बेस्टो इंपॉर्टेंट बन जाएंगे, एक अच्छे पिक, एंड जैसे मैं पता है उमेश का फॉर्म भी कुछ खास नहीं, तो हो सकता है कि ये जॉनी बेस्टो का आज यहाँ पे दिन हो। बैटिंग सेक्शन की बात की जाए तो शुभमन गिल, साई सुदर्शन एंड शिखर धवन ये होंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक्स, डेविड मिलर पहले बैटिंग करते हैं तो डेफिनेटली साइड में रहेंगे। उसके अलावा ऑलराउंडर्स में सैम करन, अजमतुल्ला, उमर जाई एंड लियम लिविंगस्टन होंगे हमारी आज के की चॉइसेस। लियम लिविंगस्टन पे फिर भी आप चांस ले सकते हो क्योंकि हमें पता है कि कुछ गेम्स में आके कैमियोज के लिए, अदर गेम्स में आके इन्होंने कुछ नहीं किया, सो लेट्स सी कैसा रहता है इनका दिन, बट अगर आपको लग रहा है राशिद का दिन अच्छा होगा तो फिर इनके लिए मुश्किल होगी, वेल अगर आपको लग रहा है इनका दिन अच्छा होगा तो राशिद का फिर उस सिचुएशन में टफ हो सकता है। अब बात करें बॉलिंग की तो राशिद, कगिजो, मोहित शर्मा इनको आप बिल्कुल लेके जाएंगे एंड अर्शदीप सिंह, अब आप रिस्क क्या ले सकते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की बात की जाए तो मेरे हिसाब से आई थिंक राशिद खान काफी इंपॉर्टेंट होंगे इस गेम में, तो उनके साथ में कैप्टनसी के साथ जाऊंगा, एंड सैम करन एज वाइस कैप्टन एज इम्पोर्टेंट रोल ये भी निभाएंगे इन दिस स्पेसिफिक गेम। तो ये हुई हमारी बेस टीम की बात, अब आप कौन से रिस्क ले सकते हो उससे पहले, क्योंकि बहुत लोग सिर्फ यही सेक्शन देखने आते हैं, अगर आप यही सेक्शन देखने आए तो इंश्योर आप लाइक बटन हिट करें एंड कॉमेंट्स में अपनी हाजिरी जरूर दीजिएगा। अब आप क्या रिस्क ले सकते हैं, जॉनी बेस्टो का फॉर्म कुछ खास नहीं तो उनको ड्रॉप करके यहाँ पे आप जितेश या साहा दोनों में से एक को ले सकते हो, कीपिंग वैल्यू भी आपको उनसे ही मिलेगी, इस बात का ध्यान रखिए। शिखर धवन पे आप चांस ले सकते हो स्पेशली अगर आपको लग रहा है चेज बड़ी होगी एंड उनको वहां पे मुश्किल आते हो सकती है। सेम फॉर साई सुदर्शन, हमने देखा है कि इन चेजेस थोड़ा ज्यादा स्ट्रगल करते हैं जिन्हें पेस ऑफ द विकेट एंड पेस ऑफ द इनिंग्स समझने में थोड़ा सा समय लग जाता है, तो वो एक यहाँ पे सिचुएशनली आप चांस ले सकते हो। शुभमन गिल व्हेन बैटिंग फर्स्ट, स्पेशली अगर आपको लग रहा है कि कगिस और रबाडा को स्टार्टिंग में हेल्प मिलेगी, मैचअप हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। लियम लिविंगस्टन की बात ऑलरेडी कर चुके हैं, एंड बॉलिंग सेक्शन से हर्षल पटेल इफ इज बॉलिंग फर्स्ट आप ले सकते हैं, नूर अहमद स्पेशली व्हेन इज बॉलिंग सेकेंड, तो ये रहे हमारे आज के ऑप्शन। अब जीएल ऑप्शन की कंसोलिडेटेड बात की जाए तो लो सिलेक्ट डाकोस पिक नूर अहमद, हाई सिलेक्ट ड्रॉपलेस बॉम रिद्धिमान साहा, एंड बैटिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड गिल एंड राशिद हो सकते हैं अच्छी चॉइसेस, बैटिंग सेकंड बॉलिंग फर्स्ट रबाडा एंड मोहित, एंड दोनों सिचुएशंस में अजमत एंड सैम करन। तो ये रहे हमारे आज के ऑप्शंस, आई होप आप सभी को ये प्रीव्यू पसंद आया हो। रिमेंबर टू ज्वाइन अस एट द रेट फैंटेसी क्रिक प्रो फॉर द फाइनल टीम्स एंड अपडेट्स, टू लाइक कॉमेंट एंड शेयर एंड बेल आइकन जरूर हिट करिए अगर आप ये कॉन्टेंट पहली बार देख रहे हैं। जल्दी मिलेंगे एक और प्रीव्यू के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन एंड थैंक यू सो मच आप सभी के सपोर्ट के लिए।